भी वीडियो वायरल करा दो ना, मेरा भी मन है। का करा ताड़ू हो, लाल लिपस्टिक? नहीं तो फिर ये क्या है? पाउडर लगा, मतलब खुशबू के मारे हैं। हम नहीं लगाएंगे, हम अभी नहाएंगे। जुकाम वैसे भी, फिर भी देखो रात में नहा रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। हाँ मजबूरी कैसी, अगर दीदी अगर तुम इस अवस्था में रात्रि के वक्त कहीं चली जाओ बाहर तो सब लोग देखकर डर जाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा पाउडर लगा लिया है, कुछ ज़्यादा ही। देखो ये कैसे सेट करती है, आपको तब तक दिखाएंगे जब तक ये सेट करती है अपना पाउडर। कर लिया सेट, देखो अब कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बस एक चीज़ की कमी रह गई है, बताओ काय काय चीज़ की कमी रह गई है? तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई। ये देखो ये आई हीरोइन, कैसी लग रही है दोनों, तुमने क्यों नहीं लगाई? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गांव के कुसुम में। तो यहाँ पर मेरी दीदी मतलब दाल पी मतलब हल्की दरदरी उससे कर लो तो बहुत ही अच्छी बनती है। ऐसे सजी थोड़ा ना बना सकते हैं ना। और ये मैं थोड़ी मतलब ये मेरी मिक्सिंग वॉइस है एकदम गाँव में भी, और मतलब थोड़ी तो वहाँ पर मैं देखो पीछे वो क्या कहते हैं पलंग है ना, उसे खड़ा कर रही हूँ। और देखो कैसे अजीब टाइप्स के, मतलब ये ऐसा ही कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल एकदम ढीले डाले, मुझे हमेशा से ही ढीले डाले कपड़े पसंद है, मतलब एकदम लूज हो। और मतलब सर्दियों में तो चल जाता है हल्का फुल्का टाइट, लेकिन मुझे मतलब थोड़े लूज ही कपड़े पसंद है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं टाइट कपड़े, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को दिखाना हो कि हाँ क्यूट लगना चाहिए, जब कहीं जाती हैं तब तो मतलब करना ही पड़ता है, लेकिन घर पर रहते हैं तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। और यहाँ पर देखो दी दाल को हल्का हल्का दरदरा दरदरा पीस ले रही है, जिससे कि दाल बहुत ही अच्छी बनती है। ऐसे सजी बनाओ तो मतलब वैसे सही से पक नहीं पाती है शायद, मैं तो खाना बनाने जानती नहीं, मैं अपने मतलब ऐसे दीदी को देखती हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जहाँ बैठी हूँ ना, जहाँ बैठ के वॉश कर रही हूँ, वहाँ पर इतनी यार चींटियाँ मेरे पैर पर चढ़ गई हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ दूसरी जगह पर। और देखो हम लोग बातें करते जा रहे हैं, और देखो मेरी दीदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। आप लोग ना यार कम से कम मेरी दीदी क्यूटनेस देखकर ही वीडियो वायरल करा दो। मेरी दीदी कितनी यार क्यूट है, हर किसी की बात मानती है, सब करती है, इतनी मेहनत करती है, ब्लॉग रिकॉर्ड करती है, घर का काम भी करती है, वॉश ओवर वगैरह। तो अब मैं कर देती हूँ, मैंने कहा कि आप लोगों को मतलब उन लोगों का दिल ही नहीं करता है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि अभी हम मतलब वीडियो डालना बंद कर देंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है चुपचाप वीडियो डालो। तो उन्होंने कहा कि एडिटिंग वगैरह बड़ी दीदी करती थी, वॉइस ओवर वगैरह मैं करती थी, क्योंकि पहले करती थी ऐसा होता है हम तीनों में कि दीदी करती है, बड़ी वाली दीदी काम करती है, बीच वाली दीदी रिकॉर्ड करती है, वही एडिटिंग करती है और वही वॉइस ओवर करती थी। बट अभी अभी वो छोटी दीदी का मनोबल टूट गया है क्योंकि एक साल होने को आया है, और उससे पहले भी चैनल्स थे और उस पर भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स डालते थे, अभी तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया है। तो उन्होंने मतलब मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगी, अब तुम ही संभालो, करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। तो जो ये आप देख रहे हो ना, इनका नाम है बंटी दीदी और बीच वाली बहन का नाम है छोटा, उनसे कहते हैं प्यार से हम लोग छोटी दीदी, और कोई नहीं मैं ही कहती हूँ बस, है ना। तो बस वही यहाँ पर ये देखो दीदी चूल्हा जलाने जा रही है, देखो कितना ज़्यादा भीग गया, ये पानी की वजह से गड्ढे हो गए हैं। तो अभी दीदी करती है, ये वाली दीदी बंटी दीदी करती है एडिटिंग और मैं करती हूँ वॉइस ओवर। तो यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा बारिश की वजह से गड्ढे हो गए हैं, और मतलब गैस पर बहुत ही ऐसा मतलब पानी बरसने के बाद तुरंत फिर से गर्मी हो जाती है, उसी वजह से फिर पानी बरस जाता है। और रूम में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा दीदी चूल्हे पर ही बना लो, रहने दो, बिना फालतू में गर्मी में कहाँ सड़ेंगे। और अभी आप लोग देखो दीदी की, और अभी आपने छोटी दीदी को देखा था, पता नहीं कुछ कह रही होगी, ऐसे हम लोग आपस में खेलते रहते हैं, खेलना क्या है मतलब बातें वगैरह करती रहती हैं,
और हम तीनों की ना बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, लड़ाई तो इतनी होती है आप पूछो ही मत। लेकिन ऐसा होता है सुबह लड़ाई होती है, दोपहर में फिर मतलब हम लोग फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन फिर दोपहर में थोड़ी देर और लड़ाई हुई, शाम को फिर एक हो जाएंगे और फिर शाम को बैठ के आराम से मस्ती करते हैं। लड़ाई बहुत होती है छोटी छोटी बातों पर। और ये देखो आप लोगों ने बहुत दिनों से हमारे मिट्ठू को नहीं देखा होगा, कौन कौन जानता हमारे मिट्ठू, कमेंट्स करके बताना ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आई हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपने जो भौएं हैं ना आईब्रोज उनके बीच के बाल हटा दिए हैं और बहुत यार सूजन आ गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। और देखो दीदी पीने वाली बाल्टी जिससे हम लोग पानी पीते हैं ना वो भर रही है मांज कर या धोकर। यहाँ पर देखो मैं फेस वॉश कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो कितनी यार स्वेलिंग आ गई है। ये देखो खुजली मच रही थी और दीदी मुझे बहुत ही अच्छी चिल्ला रही थी, कहती अभी अभी फेस वॉश करना था जब मैं पीने की बाल्टी और बाद में कर लेना, तो फिर मैं साइड से हो गई। और अभी देखो दीदी ने बाल्टी भर ली है और मैंने कहा दीदी मेरा भी रिकॉर्ड करो, मेरा भी रिकॉर्ड करो, मेरा भी मैंने, तो अभी देखो दीदी मेरा रिकॉर्ड कर रही है और मैं दिखा रही, कुछ कह रही थी दीदी से पता नहीं क्या कह रही थी मैं। और यहाँ पर बहुत ही चींटियाँ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, इसीलिए फिर से मुझे गर्मी में आना पड़ा रूम में। और यहाँ पर देखो दीदी ने दाल बनने रख दी है। सबसे पहले ऐसा होता है हमारे यहाँ पर अदा बोलते हैं, पानी को गर्म करने रख देती हैं, वो गर्म हो जाता है तो उसके बाद उसमें दाल डाल देते हैं। तो मैंने दीदी को पानी दिया पीने को और पानी, फिर उसके बाद छोटी दीदी का मुझे भी प्यास लगी, मैं फेस वॉश करके आई थी जस्ट, फिर दोबारा। अब देखो मेरा फेस, एक मिनट दिखाओ मुझे, मुझे कुछ दिखाना है। देखो पीछे दीदी काम कर रही है, यहाँ पर ये पानी पी रही है। और देखो मैंने जस्ट अभी ये बाल हटाए, यहाँ सूजन आ गई है। देखो आप लोग अभी कैसा लग रहा है, मेरी भौहें एकदम जुड़ी रहती हैं हमेशा, एकदम ऐसे प्लस अभी सही हो गया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग कमेंट करके बताना ठीक है। बाय बाय। ये देखो कितना गुस्सा कर रही है मुझ पर, बहुत गंदी है ये। दीदी क्या कर रही हो अभी आप, रख दी दाल? मतलब दाल कैसे बनाती हो दीदी, पहले आधा रखती हो क्या, मतलब पानी गर्म करने फिर उसके बाद ये दाल डाल देती हो बाद में? बहुत सही, मेरी दीदी खाना बनाने में एकदम टॉप है, एकदम नंबर वन, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। लेकिन फेस से तो आज बहुत अच्छी लग रही, लेकिन मुझे ये टी शर्ट है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप ये मत पहना करो प्लीज़। ये देखो पीछे से आपको ऊँ ऊँ की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये मेरी छोटी दीदी है मुझ पर बहुत ही गुस्सा कर रही है, देखो पता नहीं क्यों, फोन की भूखी है ये, फोन की नहीं दूंगी मुझे। तो उस पर भी कुछ खास मतलब देखने को नहीं मिला तो फिर उसे बंद कर दिया था। और ये देखो दीदी हल्दी और मिर्च और नमक डाल रही है दाल में। और ये देखो ये लकड़ियाँ तोड़ रही है, तोड़ रही है रोटी के लिए मेरी दीदी। और मैं दीदी से कह रही थी कि मुझे आपकी ये टी शर्ट अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों मुझे ऑरेंज कलर कम पसंद है। और यहाँ पर मेरी छोटी दीदी रिकॉर्ड कर रही है शायद, और वो देखो वो खाट है ना वो गंदी हो गई थी, इसीलिए धो के हम लोगों ने सुखाने रख दी थी। तो अभी ये टाइम हो रहा होगा समथिंग 4:30 का हो रहा होगा या 5 बज रही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वही देखो, और अभी खाना इसलिए जल्दी बना लेते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं वो मतलब हमारे यहाँ पर तितलियाँ बोलते हैं, वो छोटे छोटे पंखों वाली होते हैं, वो खाने में गिर जाती है, बहुत ही बेकार लगता है, इसलिए वो जहाँ पर लाइट्स होती हैं वहीं पर चली जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो दीदी आटा गूंथ रही है। और क्या ही बताने को है, आप लोग सपोर्ट करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कौन सी मतलब आपको मेरी वॉइस ओवर अच्छी लगती है या नहीं लगती है आप लोग कमेंट करके बताओ। आपने अभी तक सिंगल कमेंट नहीं आया, मुझे तो मतलब ये आशा थी कि शायद आप लोग कमेंट करोगे, इससे मुझे ये देखने को और ये समझ में आ रहा है कि आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते हो। क्योंकि अगर आप लोग ब्लॉग पूरा देखते तो आपको पता होता कि मैंने कहा है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैंने वॉइस ओवर कैसी की। इसका मतलब ये बस मतलब ऊपर से ही टाइटल वो करके थंबनेल को देख कर कमेंट कर देते हो, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा और बेकार भी लगा। खैर कोई ना,
और यहाँ पर देखो दीदी दाल को छौंकने जा रही है, हमारे यहाँ पर छौंका बोलते हैं, और आटा गूंथ लिया है। अब देखो कितना अंधेरा हो गया है, अभी रोटी भी बनाएगी दीदी गर्मी में। और देखो दीदी मतलब दाल में छौंका लगा रही है, देखो कितनी तेज आंच जल रही है ना, बहुत ही गर्मी थी दीदी कह रही थी, फिर बहुत ही गर्मी लगी। फिर दीदी के लिए छोटी दीदी ने पंखा लगाया, मैंने आपको पूरी बात डिटेल में बता दी है कि कौन बड़ी दीदी है, कौन छोटी दीदी है, कौन बंटी दीदी है और कौन छोटी दीदी है। और अभी देखो, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। और